नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे का सिटी सेंटर रीवा। मेरे साथ देखिए दिन भर रीवा में क्या घटा, क्या कुछ हुआ। 60 साल के वृद्ध आंवले के पेड़ में चढ़कर आंवला तोड़ रहे थे, पेड़ से गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में समय पर इलाज न मिलने की वजह से मौत के आगोश में समा गए। परिजनों ने लगाया आरोप, सिमरिया के शाहपुर का है मामला। 60 साल का वृद्ध पेड़ से गिरा, संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत, अस्पताल प्रबंधन पर इलाज न करने का आरोप, सिमरिया के शाहपुर का है मामला। वो मौत के आगोश में समा गया, परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन पर। सिमरिया के शाहपुरा का रहने वाला था वृद्ध। हम आपको बता दें, वृद्ध की मौत पर परिजनों का साफ तौर से आरोप, अगर हमारे मरीज को समय रहते डॉक्टरों ने देख लिया होता, उपचार कर दिया होता, तो वो आज हमारे बीच होते। एक गंभीर आरोप लगाया अस्पताल प्रबंधन पर 60 साल के वृद्ध का मौत का। सुबह सवेरे उठने के बाद वृद्ध सीधे निकल गए उस रास्ते की ओर, जिस रास्ते पर आंवले के कई पेड़ लगे। उन्हें ना जाने क्या सूझी, आंवले के पेड़ पर चढ़ गए और लगे आंवले तोड़ने। इसी दौरान आंवले के पेड़ की वह डगाल टूट गई जिसमें वृद्ध चढ़े हुए थे। वृद्ध सीधे नीचे आ गिरे, जिससे उनके शरीर में काफी चोटें आईं। इसी दौरान वृद्ध की तलाश भी प्रारंभ हुई। वृद्ध आंवले के पेड़ के पास बेहोशी की हालत में मिले। तत्काल ही उनको रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। हम आपको बता दें, बिंद्रा कोल पिता ठाकुर दीन कोल, उम्र 60 साल, सेमरिया शाहपुरा के रहने वाले थे। आंवला तोड़ते समय पेड़ से नीचे गिर गए थे। गंभीर हालत में इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लाए गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वृंदा को लेकर आए लोगों का अस्पताल प्रबंधन पर साफ तौर से आरोप, हम अपने मरीज को दोपहर को ही लेकर पहुँच गए थे संजय गांधी अस्पताल, लेकिन शाम तक हमारे मरीज की किसी भी तरीके से देखभाल नहीं की गई, हमें केवल यहां से वहां टहलाया गया। अगर हमारे मरीज को समय पर उपचार मिल जाता तो निश्चित रूप से हम अपने मरीज के बीच में होते, आज हमारा मरीज हमारे साथ होता, उसकी मौत नहीं होती। अस्पताल के डॉक्टरों ने हमारे मरीज की देखभाल नहीं की, हमें किसी तरीके का उपचार नहीं मिला, जिसकी वजह से वृंदा की मौत हो गई। परिजनों का साफ तौर से कहना, हम समय पर पहुंच गए थे लेकिन इलाज ही नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारे मरीज वृंदा की मौत हो गई। वृंदा आंवले तोड़ने आंवले के पेड़ पर चढ़े थे, उसी दौरान आंवले की डगाल टूट गई, जिस डगाल पर वृंदा चढ़े हुए थे। वृंदा सीधे नीचे गिरे, जिसकी वजह से उनके शरीर पर घातक चोटें आई थी। परिजन उनको संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुंचे, लेकिन परिजनों का साफ तौर से आरोप, हमें इलाज नहीं मिला, हमें केवल इधर से उधर पर्ची लेकर भटकाया गया, जिसकी वजह से हमारे मरीज की मौत हो गई। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? ये सर सुबह सुबह हो गया, किसी को बताया नहीं, लेके लगी चला गया आंवला तोड़ने, और कोई नहीं देखा कि कब गिरा है। हाँ, 4-5 आंवला टोरा था, हो गया गिरा था, बच्चे लोग देखे, गुहार मचाए। हम मऊगंज में थे, मऊगंज से दौड़ के वहाँ गए गांव में, वहाँ से एम्बुलेंस में लग के यहाँ ले आए, और यहाँ लाते सर मैं 2 बजे आया हूँ, और 2 बजे से 8 बजे रात तक कोई ट्रीटमेंट नहीं, यहाँ तक भर्ती भी नहीं किए इसको। हाँ, ये बाहर आए उस पे स्ट्रेचर पे पौड़ाए पौड़ाए ख़त्म हो गए। डॉक्टरों के पास दौड़ दौड़ के जा रहे थे कि सर उभर उभर के सांस ले रहा है, कुछ तो कीजिए। हाँ, बोले ठीक है, करता हूँ करता हूँ। पर्ची लेके भेज दे, या वहाँ से पर्ची वहाँ भेज दे,
परचिन बनवाते बनवाते ख़त्म हो गया। आपके कौन थे? हमारा कार्यकर्ता था घर में जो काम करते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश त्रिपाठी। दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।